5120 RG20 221 सब को आज लीड कर रही है। आज 8 जुलाई 2023 इस वक्त मैं बुस्तान जंक्शन रेलवे स्टेशन पे मौजूद हूँ और आज इंशाल्लाह बुस्तान जंक्शन रेलवे स्टेशन को आज कवर करेंगे और यहाँ के काफ़ी सालों पुराने मवाद यहाँ पे पड़े हैं वो भी आपको दिखाएंगे और बुस्तान जॉब सेक्शन और बुस्तान हर नए सेक्शन की लाइंस भी आपको दिखाएंगे और उसका पॉइंट्स उसके उनके जो है ना पॉइंट्स भी आपको दिखाएंगे और इंशाल्लाह लोको शेड भी दिखाएंगे। तो ये बुस्तान रेलवे स्टेशन का एसएम रूम ये आप देख सकते हैं 1887 का जो है ये लॉकर तकरीबन कोई 150-160 साल पुराना बहुत ही पुराना बेंच। ये की बॉक्स सामने हम देख सकते हैं यार्ड डायग्राम और ये कुछ पुरानी पिक्चर्स लगी हुई हैं। इसको कहते हैं नॉन इंटरलॉक्ड बॉक्स। रोड़ी से 417 किलोमीटर दूर बुस्तान जंक्शन और ये मेन एंट्रेंस गेट। ये सामने बुकिंग एंड पार्सल ऑफिस फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम और ये रिकॉर्ड रूम। दोस्तों कॉर्माइड लोडिंग अनलोडिंग सेक्शन है जो बेसिकली नैरो गेज में मौजूद है। दोस्तों ये सामने आप देख सकते हैं मेन बिल्डिंग प्लेटफॉर्म है और ये इस वक्त मैं मौजूद हूँ डाउन साइड प्लेटफॉर्म पे जो बेसिकली हरनाई और जॉब की तरफ जाता है। ये काफ़ी जो है डीप में लोगों ने बनाया है अंग्रेज़ों ने। सामने आप देख रहे हैं क्वार्टर्स जो अबेंडन है। ये आप देख रहे हैं नैरो गेज का यार्ड। और इस सामने टैंकी वाटर टैंक तो ये नैरो गेज का पॉइंट सामने हम देख सकते हैं जो वहाँ से जो है यार्ड की तरफ आ रहा है और सामने आपको नैरो गेज की तीन कोचेस भी नज़र आ रही हैं। ये नैरो गेज का पॉइंट है
यहाँ देख रहे हैं पॉइंट जो सीधा बुस्तान जंक्शन के यार्ड की तरफ जाता है, ब्रॉडगेज जो बेसिकली जॉब और हरनाई की तरफ का पॉइंट है। तो पॉइंट नहीं, पॉइंट आगे ये बेसिकली यहाँ से जो है ना, ये पॉइंट जो है यहाँ से बुस्तान जंक्शन का यार्ड शुरू हो जाता है और वो लाइंस आप देख सकते हैं। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि सामने आप देख सकते हैं एम्प्टी बेड जिसको ट्रैक बेड कहते हैं, जो बिल्कुल खाली, और यहाँ से जो है ज़ोब और हरनाई की तरफ रास्ता जाता है। अभी तक भी मौजूद है मेरे ख्याल से, सामने जो पाटा का आपको नज़र आ रहा है अनमैंड लेवल क्रॉसिंग, उधर तक ये लाइन जा रही है, और आगे सीधा आपको अगर घूम करके दिखाएं तो नैरो गेज का बेड अभी तक भी मौजूद है। एंटिक नैरो गेज कोच यहाँ के मंदिर, यहाँ के मुकामियों ने बताया कि 3-4 दिन पहले अच्छी खासी तूफानी हवा चली है यहाँ पे बुस्तान जंक्शन पे, और ये जो आप बोगी देख रहे हैं कोच, हवा के प्रेशर से ये नीचे गिर चुकी थी और अभी भी आप देख रहे हैं गिरी हुई नज़र आ रही होगी आपको। ये नैरो गेज व्हील, तो ये बोगी की पुरानी डिटेल्स लिखी हुई हैं जो अभी तक भी यहाँ पे मौजूद है। दोस्तों अब हम लोगो शहर की तरफ जा रहे हैं और सामने आप देख सकते हैं ये लाइन आ रही है, नैरो गेज लाइन यहाँ से होती भी, ट्रोमाइट अनलोडिंग और लोडिंग एरिया की तरफ जा रही है, और साथ ही जो है ब्रॉड गेज रेलवे लाइन अबेंडेंड यहाँ पे मौजूद है। सामने आप देख रहे हैं जैसे कि मैंने पहले बताया वाटर टैंक जो किसी ज़माने में इस्तेमाल हुआ करता था, अब ये भी अबेंडन है। तो ये दोस्तों ये वाटर टैंक जो इन्होंने अबेंडन किया हुआ है और काफ़ी हालात में जो है ना ये मौजूद है, मतलब 10x10 आप कह सकते हैं, और ये रीयूज़ भी हो सकती है। सलाम उन अंग्रेज़ों को जिन्होंने ये टैंक जो है बनाया है। किसी ज़माने नैरो गेज में स्टीम लोकोमोटिव पाया करता था जो ट्रोमाइट को हरनाई ज़ोब से लेकर आया करता था। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं बुस्तान जंक्शन लोगों शेड की तरफ, वहाँ आपको दिखाते हैं। सामने आप देख सकते हैं नैरो गेज लोगो शेड, दोस्तों पहले मैंने आपको तकरीबन 4 नैरो गेज कोचेज मैंने आपको पहले
वहाँ पे दिखाई थी जहाँ पे सौब और हरनाई का पॉइंट बना हुआ था। अब मैं लोको शेड की तरफ हूँ और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है कोचेज़ मौजूद हैं, जिनमें स्लीपर और आपका रिलीफ कोच भी मौजूद है येलो कलर की। देख रहे हैं आप वैसी की वैसी खड़ी। अभी दोस्तों आप लोगों को मैं अब मज़ीद कोचेज़ दिखाता हूँ नैरो गेज की। सामने आप देख सकते हैं स्लीपर नैरो गेज कोच खड़ी भी है, मौजूद है। ये अंदर का नज़ारा है। ये सामने आपको मैंने बताया था रिलीफ कोच येलो कलर की। मैंने आपको फर्स्ट क्लास स्लीपर कोच दिखाई थी, अब ये सामने नॉर्मल जिसको इकोनॉमी क्लास कहते हैं। देख रहे हैं दोस्तों आप स्लीपर, ये एसी स्लीपर कोच। पहले आपको फर्स्ट क्लास मैंने दिखाई और ये एसी स्लीपर कोच है। ये आप देख सकते हैं 1861। ये अंदर के नज़ारे बेस अभी तक भी मौजूद है। ये है नैरो गेज लगेज कोच। ये लगेज कोच है, ये फिर स्लीपर कोच आ गई दोस्तों। ऐसी इकॉनमी और स्लीपर कोचेस जो है मिक्स है। और ये कपलिंग आप देख सकते हैं, ये कपलिंग है, ये प्रेशर पाइप। तो ये दोस्तों आप लोगों को मैं नज़दीक से रिलीफ कोच भी दिखा देता हूँ। इस पे भी जो है बेस अभी तक मौजूद है, शुक्र है ये गायब नहीं हुई अभी तक। सामने एक और कोच खड़ी है। तो दोस्तों इस वक्त मैं अभी लोको शेड की तरफ मौजूद खड़ा हुआ हूँ और अब जाते हैं लोको शेड में, आपको विज़िट करवाता हूँ उधर की नैरो गेज रेलवे लाइन और उधर की वर्किंग अगर मुझे नज़र आई तो वो भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। खैर अभी इस ज़माने में वर्किंग तो नहीं रही, लेकिन जो टूल्स थे उधर वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अगर मौजूद हुए हैं उधर। तो दोस्तों अब हम आगे की तरफ जाते हैं जहाँ पे लोको शेड है बुस्तान रेलवे जंक्शन का, जो बेसिकली नैरो गेज पे मौजूद है। और ये सामने आप देख सकते हैं CNW डिपो BTN यानी कि बुस्तान, और नीचे PR लिखा है पाकिस्तान रेलवेज। ये दोस्तों नैरो गेज रेलवे लाइन यार्ड। यहाँ पे बकरे रेस्ट मोड में लगे हुए हम देख रहे हैं। तो दोस्तों ये लोको फोरमैन, ये लोको शेड के ऑफिसेस, नोटिस बोर्ड भी लगा है यहाँ पे। शी ऑफ क्रू ऑफिस, अबेंडेंट बिल्डिंग है ये दोस्तों। मेरे ख्याल से ये रिफ्यूलिंग, खैर उन ज़मानों में रिफ्यूलिंग तो नहीं हुआ करती थी, लेकिन ये मेंटेनेंस की जगह है जहाँ पे ओल्ड इंजन्स की जो है मेंटेनेंस हुआ करती थी। उन ज़मानों में तो पुराने लोकोमोटिव जो थे कोयलों से चलते थे। तो ये दोस्तों ये मेरे ख्याल से ऑफिस या वर्कशॉप है, जिसकी जो ये भी अबेंडन है और अंदर ताला भी लगा हुआ है, अंदर आने का रास्ता नहीं है, वरना मैं आपको अंदर से विजिट करवाता। ये देखें
ये भी दोस्तों, यहाँ पे भी मेरे ख्याल से लोगों की मेंटेनेंस हुआ करती थी। ट्रैक तो यहाँ पे मौजूद नहीं है, बल्कि लोगों की नहीं, यहाँ पे ये बेसिकली वॉशिंग लाइन था। तो दोस्तों सामने नैरो गेज टर्न टेबल आपको नज़र आ रहा होगा, ये आप देख रहे हैं नैरो गेज लाइन जो टर्न टेबल की तरफ जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पे ब्रॉड गेज और नैरो गेज भी मौजूद है दोस्तों। ये ब्रॉड गेज नहीं, ये मीटर गेज रेलवे लाइन है। और साथ ही ये नैरो गेज रेलवे लाइन, काफ़ी मज़बूत और अभी तक भी यहाँ पे मौजूद है। आप देख रहे हैं ये बेसिकली टर्न टेबल है, यहाँ पे मीटर गेज और नैरो गेज के लोकोमोटिव की जो थी रोटेशन चेंज हुआ करती थी। आगे भी आपको दिखाते हैं, आगे भी कुछ चीज़ें जो ब्रॉड गेज और सॉरी मीटर गेज रेलवे लाइन के साथ साथ आगे जा रही है। ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे घास कुछ ज़्यादा उगी भी है और वहाँ पे सांप का भी खतरा हो सकता है, तो ऑब्वियसली सेफ्टी फर्स्ट है। सामने एक टैंकी और है जिसको अबेंडन किया हुआ है, जो बिल्कुल 10x10 इस्तेमाल हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे एक मुझे पेज मिला है जो 1975 का है, और इस पे लिखा है PWR नॉट टू बी रफ शंटेड। दिखाते हैं आपको, ये है मेरे ख्याल से अराइवल और डिपार्चर पेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1975 यहाँ पे डेट लिखी हुई है, सॉरी डेट ही सन लिखा हुआ है, और यहाँ पे स्टैम्प भी लगी हुई है। तो दोस्तों जो मैंने आप लोगों को ये बिल्डिंग दिखाई थी, ये बेसिकली स्टोर रूम है। साथ ही ये जो कमरा आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये बैटरी रूम, और ये आप इसकी मेन एंट्रेंस देख सकते हैं स्टोर, जिस पे लिखा हुआ है ये लॉक्ड है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। मैंने आज आप लोगों को बुस्तान जंक्शन रेलवे स्टेशन विज़िट करवाया, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं आप लोगों को सब चीज़ें दिखाऊँ जो जो मुझे नज़र आए। और यहाँ पर मैंने आपको नैरो गेज कोचेज़ भी दिखाई हैं और नैरो गेज की वर्किंग भी मैंने आप लोगों को दिखाई है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो पर। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।